सूरह तकवीर, सूरह तकवीर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें एक रुकू और 29 आयतें हैं। तकवीर का मानी है लपेटना, और इस सूरत का ये नाम उसकी पहली आयत में मजकूर लफ्ज कुबीरत से माखूज है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि वो कयामत के दिन को ऐसा देखे गोया कि वो नजर के सामने है, तो उसे चाहिए कि वो सूरह शम, सूरह इज़्ज़त समाउन फतरत और सूरह इज़्ज़त समाउन शक्कत पढ़े। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें कयामत के अहवाल बयान किए गए और कुरान मजीद के अल्लाह ताला का कलाम होने को साबित किया गया। और इस सूरत की इब्तिदा में 13 आयत में कयामत के चंद हौलनाक उमूर बयान करके फरमाया गया कि जब ये चीजें वाकई होगी तो उस वक्त हर जान को मालूम हो जाएगा कि वो कौन सी नेकी या बदी अपने साथ लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए हैं। उल्टे और सीधे चलने वालों, सितारों रात के आखिरी हिस्से और सुबह की कसम खाकर फरमाया गया कि बेशक कुरान मजीद इज्जत वाले रसूल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पहुंचाया हुआ कलाम है। इज्जत वाले रसूल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पहुंचाया हुआ कलाम है ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान बयान की गई। हुजूर पूर्ण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद पर किए गए कुफार के एतराजात का जवाब दिया और ये बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें बताने में बखील नहीं है और कुरान मजीद सब जहानों के लिए नसीहत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ बड़ा मेहरबान खूब रहम फरमाने वाला। इज़ शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़न नुजूमन कदरत, और जब सितारे मंद पड़ जाएंगे यानी अपनी कहकशां से गिर जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुयरत, और जब पहाड़ गुबार बना के चलाए जाएंगे। व इज़ल इशारु उतिलत, और जब 10 माह की घाबन ऊटनी छुटी फिरेगी। व इज़ल वुहूश हुशिरत, और जब वहशी जानवर जमा कर दिए जाएंगे। व इज़ल बिहारु सुजिरत, और जब समंदर यानी कि दरिया उभारे या भड़काए जाएंगे। व इज़न नुफूसु ज़ुविजत, और जब रूहें बदन से मिला ली जाए यानी कि रूहों के जोड़ बांध दिए जाए। व इज़ल मौउदतु सुइलत, और जब जिंदा गड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा, बि अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, किस गुनाह में कत्ल की गई। व इज़ल सुहुफु नुशिरत, और जब सहीफे यानी कि आमाल नामे खोल दिए जाएंगे। व इज़ समाउ कुशितत, और जब आसमान की खाल खींच ली जाएंगी। व इज़ल जहीमु सुइरत, और जब जहन्नम भड़काई जाएंगी। व इज़ल जन्नतु उज़लिफत, और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी। अलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, जान लेगी हर जान जो उसने हाजिर किए यानी कि जो उसने आमाल लाए हैं। फला उक्सिमो बिलखुन्नस, फिर मैं कसम खाता हूँ सितारे के पीछे हट जाने वाले की। वल अलजवारिल कुन्नस, आसमान के कुर्रों की जो जाहिर होने के बाद छुप जाने वाले। वल लैली इज़ा असअस, रात की कसम जब वो फैल जाए, जब तारीकी जाने लगे। वस्सुबही इज़ा तनफ्फस, सुबह की कसम जब वो दम भरे यानी कि जब उसकी रोशनी आने लगे। इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, बेशक वो यानी कि वो कुरान अलबत्ता रसूल करीम का कौल है यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कौल है। ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन, कुव्वत वाले अर्श वाले बुलंद मर्तबे वाले। मुताइन सम्मा अमीन, सबका माना हुआ वहाँ का अमानतदार। वमा साहिबुकुम बिमजनून, और नहीं तुम्हारे साहिब यानी कि तुम्हारे रफीक को कोई जुनून में से। वलकद रआहू बिल उफूकिल मुबीन, और अलबत्ता यकीनन उन्होंने देख लिया यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया हो उनको यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को बिल उफूकिल मुबीन, खुले आसमान के किनारे पर। वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, और नहीं वो यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब पर बुखुली करने वाले।
वमा हुआ बिकौली शैतान रजीम, और नहीं वो बात शैतान मर्दूद की। फ़ऐना तज़हबून, फिर कहाँ या किधर को छूटकर तुम जा रहे हो इतने बड़े खजाने को छोड़कर। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं वो मगर एक नसीहत तमाम जहानों के लिए। लिमा शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, उसके लिए जो चाहे तुम में से कि वो सीधे चले यानी सीधी राह को इख्तियार कर ले। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और नहीं तुम सब चाहो मगर कि चाहा अल्लाह ने तमाम जहानों के रब ने। सदक अल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूल नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।